दोस्तों शाहरुख खान 52 साल के हो गए हैं। 2 नवंबर 1965 को दिल्ली में उनका जन्म हुआ। साल 1947 में भारत पाक विभाजन के दौरान शाहरुख के पिता मीर ताज मोहम्मद माइग्रेट होकर दिल्ली आ गए थे, जबकि चाचा पाकिस्तान में रह गए और शाहरुख के कजिन्स इन दिनों पेशावर में रहते हैं। शाहरुख के पाकिस्तान में रह गए चाचा गुलाम मोहम्मद गामा फ्रीडम फाइटर थे। गुलाम मोहम्मद के 2 बेटे मंसूर खान और मकसूद खान और 1 बेटी नूर जहां है। बड़े बेटे मंसूर खान पेशावर के किस्सा खवानी बाजार में बांस की सीढ़ियां बनाने का काम करते हैं। इन्होंने एक इंटरव्यू में बताया कि शाहरुख उनके छोटे भाई मकसूद खान के सबसे ज्यादा क्लोज थे। मंसूर खान ने इस इंटरव्यू में यह भी बताया कि 1978 में शाहरुख पहली बार अपने पिता के साथ पेशावर पहुंचे थे। शाहरुख को पेशावर के आसपास के इलाकों में स्वाद बहुत पसंद है, हालांकि लंबे समय से वो वहां नहीं गए। शाहरुख की चचेरी बहन नूर जहां साल 1997 में मुंबई आई थी और करीब 2.5 महीने शाहरुख के साथ ही रही थी। नूर जहां ने अपने बेटे का नाम उनके नाम पर शाहरुख ही रख लिया है। मंसूर खान के मुताबिक शाहरुख खान को पेशावर की पेशावरी चप्पल बहुत पसंद है। 1980 में जब SR के पेशावर गए थे तो 1 जोड़ी चप्पल खरीदी थी और 7 साल तक पहनते रहे। मंसूर खान ने यह भी बताया कि शाहरुख बचपन से एक्टर बनने का सपना देखा करते थे और इस बात का जिक्र वे पेशावर विजिट के दौरान अपने कजिन से किया करते थे। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि उनकी बहन नूर जहां आज पाकिस्तान में गरीबों से भी बदतर हालत में रह रही है। और अगर वहीं हम सलमान खान की बात करें तो आप उनकी गोद ली हुई बहन की ठाट बाट देख सकते हैं कि आखिर कितना कुछ करते हैं सलमान अपनी बहन के लिए। और अगर शाहरुख खान जी की बात करें तो आप खुद ही दे सकते हैं कि इतने अमीर और फेमस होने के बाद उन्होंने अपनी चचेरी बहन की मदद तक नहीं की। तो दोस्तों, आपको शाहरुख खान और सलमान खान में से कौन सबसे ज्यादा पसंद है, हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। और दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जल्द से जल्द हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि हमारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिले सबसे पहले। धन्यवाद।